अगर आप लोग पीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है, एक मंथ के बाद 1000 के राउंड अबाउट एमसीक्यूज हो जाएंगे तो आप उसको फिर किस तरह से ज़हन में रख सकते हैं। कंसिस्टेंसी जो है ना किसी भी काम को हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। सबसे जो बड़ी मोटिवेशन थी वो पुलिस थी। अब मैंने तो फोन नंबर भी अपने दोस्तों के साथ, मतलब एमसीक्यूज जो है ना अपने दोस्तों के नाम से सेव किए। अच्छा 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 अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमतें बेपाए से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन आपको बताते चलें कि आज जो गेस्ट हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं वो हम सब के लिए एक मोटिवेशन है। आपको बताते चलें कि पंजाब पुलिस के स्पेशल ब्रांच में बतौर इंटेलिजेंस ऑपरेटर के तौर पर आप काम कर रहे थे, लेकिन अब आप पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में एज ए गेजेटेड ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में इनको दावत दी, उनसे पूछते हैं कि उनका मोटिवेशन लेवल क्या था खुद का और किस तरह से उन्होंने मेहनत की। आप उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इर्तिजा भट्ट साहब। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच आपने मुझे टाइम निकाला कि आपने मुझे प्रोग्राम में जॉइन किया। अच्छा इर्तिजा, ये मुझे बताएं कि आप पहले स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे थे, फिर उसके बाद आपने मेहनत की और अब आप पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में गजेटेड ऑफिसर हैं, तो किस तरह से आपने ये सारी मेहनत की? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ, एहसान हुआ है मुझ पर और माँ बाप की दुआ और कोलीग्स जो मेरे दोस्त थे उनका जो है ना बड़ा मेरा रोल था। और सबसे जो बड़ी मोटिवेशन थी वो पुलिस थी, ठीक है। अच्छा। ना पुलिस में रह के जो मैंने जिस तरह मुझे मोटिवेशन मिली वहाँ पे, मेरी जो पोस्टिंग थी स्पेशल ब्रांच में एज अ इंटेलिजेंस ऑपरेटर था, बैच 4 पे मेरी सिलेक्शन हुई थी और मैं लाहौर एयरपोर्ट पे डिप्यूट था। अच्छा, तो मेरे जो सीनियर्स थे हमासुल हक और मुनीर साहब, वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट किया, ठीक है। मेरे जब टेस्ट होते थे वो मुझे ना मोटिवेट करते रहते थे। इसके अलावा अगर कामयाब आपको पता होना है तो कामयाब लोगों की सोहबत जो है ना बड़ी मैटर करती है, ठीक है। और मेरे कोलीग्स थे जिनमें जो है ना मंजूर हुसैन और इम्तियाज़ जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट किया और आज जिस इस मुकाम पर जो हूँ मैं उन्हीं की बदौलत, और जो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड जो अली है जिसका जो है ना मुझे हर टाइम मुझे बिल्कुल बिल्कुल उसी की वजह से जो है ना आज इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा वैसे बचपन से क्या ख्वाहिश थी आपकी के बड़े? बचपन से बेसिकली तो हम मेरे पापा एयरफोर्स से रिटायर हैं एज एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, तो पायलट तो हर एक की ख्वाहिश थी, एक ड्रीम होती है। लेकिन अप्लाई किया था, ISS भी दिया, नहीं हो सके तो फिर इस कमीशन के थ्रू आ गए, ठीक है ना। तो माँ बाप जो है ना उन्होंने कहा, एक टाइम तो ऐसा आया था कि जो है ना माँ बाप ने कहा था कोई और काम कर लो, लेकिन नहीं, हमने जो है ना लगे रहे, हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है ना किसी भी काम को हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जॉब होती है बड़ी टफ जॉब है, 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है, कभी भी आपको कॉल आ सकती है। तो किस तरह से आप ये मैनेज करते थे साथ में जॉब और साथ में स्टडीज, रात को भी आप जॉब पर भी जाते हैं अक्सर, तो कैसे मैनेज करते थे, क्या कैजुअल था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं, मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, रात को ड्यूटी करता था, सुबह टाइम आके पेपर्स देने, ठीक है ना। उसके बाद रूट पे ड्यूटी लग जाती थी, रूट पे मैं बुक साथ बैग में रखा होता, बैग पे रूट पे मैं खड़ा होकर जो है ना साथ बैग में मैंने बुक पढ़ना था, पढ़ता रहता था। उसके बाद रूट पे भी मैंने बुक, मैंने साथ बुक नहीं मैंने छोड़ी, जिस टाइम जिस हालात में होता था ना मैं अपना जो है ना बुक को नहीं मैंने छोड़ना था, ठीक है। उसके अलावा PSL में जो मेरी ड्यूटीज लगी थी इनफैक्ट, और उसके बाद मेरी जो इस जो अभी कोई भी VVIP मोमेंट हो जाती है, लेकिन मैंने बुक नहीं मतलब छोड़ी, उसके साथ जो है ना मैंने कंसिस्टेंसी से जो मेहनत करता रहा। आप सिर्फ कमीशन की ही तैयारी करते रहे, कभी CSS कभी PMS के नहीं सोचा आपने, कि आपने सोचा कि बस एक वन पेपर दें और सिलेक्ट हो जाए 17 ग्रेड की पोस्ट पे, इजी है? नहीं, वो ट्रैक डिफरेंट है, ठीक है, वो उसका ट्रैक जो है ना जरा टाइम लेके करना पड़ना है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने कमीशन के थ्रू ये एज अ डेमोग्राफर मेरी सिलेक्शन हुई है, मैंने जॉब सिक्योर कर ली 17 की, इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो प्लान है वो PMS है। ये मुझे बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने बेसिकली किया BS ऑनर्स किया स्टैटिस्टिक्स में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद से फिर आपने ये सारी तैयारी शुरू की PPSC की। तो इस वक्त हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, इसके अलावा पुलिस के और भी बहुत सारे अहलकार हमें देख रहे होंगे, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अगर आप लोग PPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं,
टाइम मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है? सबसे पहली बात है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, और दूसरी बात यह है कि जो मिथ क्रिएट हुई है कि ये सिलेक्शन नहीं होती, ये सब झूठ है। आपने करना ऐसे है पोर्शन वाइज स्टडी करनी है, कामयाब का जो है पोर्शन है उसको पोर्शन वाइज। अच्छा, कितने पोर्शन होते हैं किसी वन पेपर के लिए? वन पेपर के लिए ऑलमोस्ट 10 to 11 पोर्शन होते हैं। याद किस तरह से रह सकता है इतना कुछ आपको? आप 10 एमसीक्यूज आज पढ़ते हैं, 10 कल पढ़ेंगे आप, तो पिछले तो भूल जाते हैं। आप बार जब आपने 10 एमसीक्यूज पढ़ लिए हैं तो आप जब अगले दिन पढ़ेंगे उसको रिवाइज करें बार बार, रिवीजन रिवीजन जो जब बार बार होगी तो वो आपको आगे आपकी फिंगर टिप्स एक मंथ के बाद इस तरह से। तो अगर आपके पास एक मंथ के बाद 1000 के राउंड अबाउट एमसीक्यूज हो जाएंगे exactly. तो आप उसको फिर किस तरह से ज़हन में रख सकते हैं? वो रिवीजन बार बार रिवाइज करते रहे इंशाल्लाह, कंसिस्टेंसी, एक ही टिप पे कंसिस्टेंसी और बार बार रिवीजन। अच्छा, ये भी तो होता है ना, मतलब अगर दो बंदे तैयारी करें, मैं या आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हम 10 या 20 एमसीक्यूज करके एक दूसरे से सुने, बिल्कुल है ना, कि कितना याद, बिल्कुल सुने और लिख के याद करें, जो लिख के याद करना बिल्कुल ठीक है, वो आपको याद रहता है। और अपनी अपने सेल्फ तौर पे अपनी जो है ना सेल्फ असेसमेंट के लिए बार बार टेस्ट ले, ठीक है ना, खुद ही टेस्ट ले खुद। और मैंने अगर जो अगले अपनी सजेस्ट करूंगा, मैंने तो फोन नंबर भी अपने दोस्तों के साथ, मतलब एमसीक्यूज जो है ना अपने दोस्तों के नाम से सेव किए। अच्छा, मैंने लाइक अभी भी नंबर मेरा जो अभी अली का नंबर किस नाम से, ब्रिज ऑफ नो रिटर्न कोरिया, तो उससे मैंने सेव किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो जब वो बार बार कॉल आती है तो वो मुझे फिर भूलता नहीं है। मतलब है अगर आपको एमसीक्यू याद रखने हैं तो आपको 2 से 3 हज़ार नंबर अपने मोबाइल फोन में सेव करने हैं, और जो मुश्किल तरीन नंबर है। थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इत्रा भट्ट, जिन्होंने बताया कि कैसे जो है इंसान मेहनत करे और लगन के साथ वो लगा रहे अपनी मंजिल की तरफ, तो आखिरकार वो अपनी मंजिल पा ही लेता है। और इसके साथ ही साथ आप हमें इजाजत दीजिए, आपने क्या करना है, आपने हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना है, इसके बाद आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।